गाइस, इस आदमी को है हर रात में रोज 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में पता नहीं इसके पेट में कुछ जागता है और तरबूज और मस्क मेलन का भूख आता है इसको। और इनको तो भाई मूवी देखना है बैठ कर, और तो कुछ कौन सा मूवी देख रहा है, कॉपी राइट ना लग जाए भाई, ज़्यादा नहीं देखना। गाइस, काटने का तरीका इसी को आता है इसलिए हम इसी से कटवाते हैं भाई। होगा ही ना, तरबूज है तो ये क्या है, ये फिर तरबूज ही ना है। तो मैंने कूलर का ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पानी जो है चूना बंद हो गया इसमें से। इसलिए खुशखबरी है कि नहीं ये चीज़। ये भाई साहब अपना तरबूज ही काटने में लगे हुए हैं अभी तक, तो बहुत तेज़ नींद आ रही है अभी, और ये तरबूज काट रहे तो अब सोच रहे हैं कि चलो खा ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है खाने में, थोड़ा सा बॉडी में कुछ ना कुछ तो जाएगा ही, तो कोई वाली सह लेंगे थोड़ा सा। पता नहीं तरबूज के नाम पे क्या खिला रहा है, वाइट वाइट है, रेड होना चाहिए था, वाइट वाइट खिला रहा है। देखो बहुत अजीब टेस्ट का है, बिल्कुल पसंद नहीं पड़ा। ये क्या ही है, ये भाई 10 मिनट से ये है ना तरबूज कट ही रहा है, इतना वेस्ट इधर जमा हो गया है, थाली में इतना सारा वेस्ट है और अभी भी ये कट ही रहा है रेड वाला पार्ट, पता नहीं मुंह में कब तक जाएगा। मस्क मिलने को मेरे को प्यार आ रहा है इस मस्क मिलने के ऊपर, इतना क्यूट सा है और अभी थोड़ी देर में कट जाएगा ये। कोई नहीं मस्क मलन, मैं तेरे को खा जाऊंगा, तू चिंता मत कर। गाइस ये देखिए, ये मस्क पीसेस में हो रहा है अभी, खाने में आएगा भाई, कॉपीराइट तो नहीं आएगा मूवी का, तो यहाँ गया तो मैं तेज ही में पैसे लूँगा, मैं बता दे रहा हूँ, जो भी मेरा रेवेन्यू होगा। मीठा है कि नहीं है भाई, टेस्ट में तो खास ज़्यादा मीठा नहीं है, पर अभी काम चला तो खाया जा सकता है। खाया जा सकता है। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, और अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ अभी नॉक। आज असल में कल रात में हम लोग बहुत देर से तरबूज खा रहे थे हम, और फिर तीसरे सोते सोते 1:30-2 बज गया, और अभी उठा हूँ 9 बजे, तो अभी नाश्ता भी नहीं मिलेगा अभी, तो बहुत दुख हो रहा है मेरे को दिन को, बट अभी क्या ही कर सकते हैं अभी, तो चलिए अभी पहले फ्रेश रहते हैं, ब्रश कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ देखते हैं क्या क्या करना है। देखिए हमारे यहाँ पे तार जो है ऐसी बिखरी पड़ी है, हेडफोन उधर पड़ा हुआ है, ये पूरा मतलब इस टाइप से तार है। कूलर भी हम लोग इतना आलस कर रहे हैं कि टेबल में भी नहीं, ज़मीन पे रख रहे हैं, ये हमारे गट्स है पूरे। उससे ज़्यादा गट्स वाली चीज़ आपको दिखाता हूँ भाई, 98 हो गया। अरे गजब भाई, बंद करो कूलर को भाई, कूलर इतना बिजली खा रहा है कि लग रहा है कि हमें बर्बाद कर देगा, ये बिजली बिल देते हैं हम लोग पागल हो जाएंगे इस पर। आपको इससे ज़्यादा गट्स वाली चीज़ दिखाता हूँ, देखिएगा। हम लोग ने जो आपको 3 दिन पहले दिखाया था कि चद्दर नहीं बिछा, चद्दर सारी धूली भी रखी है, आज भी चद्दर नहीं बिछा है हमारे यहाँ पे, तो ये हमारे गट्स हैं। और अब तो सिर्फ एक बिस्तर पर है, जिसको उड़ना रहता है वो इसी बिस्तर पर, वैसे इस बिस्तर पर कुछ सोता नहीं, सिर्फ इस बिस्तर और इस बिस्तर पर ही लोग सोते हैं। हमारे कपड़े जो है गाइस, आप लोग ये हमें जज मत कीजिएगा कि कपड़े हम लोग कैसे रखते हैं, हम लोग सब चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मस्क मिलन में हम लोग आलस की वजह से ऐसा हटा नहीं रहे हैं, आज इसको खा जाएंगे। ये हमारे पांडे भाई हैं, ये ब्रश करके आ चुके हैं भाई, हमें हमारे लिए तो नहीं पूछा, तू क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग गाइस, आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो आप लोग भी इन्हें गुड मॉर्निंग दे दीजिए, गाली बस मत दीजिएगा और सब दे दीजिएगा। चलिए भी चलते हैं, ब्रश करते हैं, और साबुन भी इसलिए ले जा रहा हूँ मुँह धोने के लिए, फेस वॉश हम यूज़ नहीं करते हैं, गरीब आदमी है तो करना पड़ता है साबुन से यूज़। गाइस एक भैया को जो है मैं थोड़ा हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ख़राब हो गई है, थोड़ा माइग्रेन है शायद से, तो इसलिए भी चलते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में आपको मैं कंटेंट बना के दिया जाते हैं दोस्त गाइस, कि कभी कभी क्या होता है कि कंटेंट जो है ना, मैं 2-3 दिन तक कंटेंट नहीं मिलता, और एक ही और मैं जो कंटेंट के भरमार आ जाती है। देखिए मैं परसों व्लॉग डाला, कल भी डाला, और मैं आज भी डालूंगा व्लॉग। हमारी गाड़ी है पर इसमें यही दिक्कत है कि इसका सीट जो है वो आग उबल रहा है अभी, तो थोड़ा सा लगेगा बम पे गरम, पर कोई नहीं सह लेंगे इतना सा। तो गाइस भैया जो है अंदर जा चुके हैं, मैं बाहर ही खड़ा हूँ क्योंकि मैं अंदर नहीं गया, और हॉस्पिटल जो है काफ़ी बड़ा है, वैसा फार्मेसी और हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा है। अब एक चीज़ मेरे को मस्त पसंद आई कि जो गैरेज है यहाँ पे, ऐसे आपको गाड़ी निकाले तो ये गाड़ी ऊपर वाली है ना बाहर आ जाएगी, और नीचे वाली गाड़ी में ऐसे मतलब रोटेट होता रहता है इस टाइप से यहाँ का गैरेज, तो ये काफ़ी सही लगा मेरे को, क्योंकि पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है
और आपकी गाड़ी भी जो है मस्त लग चुकी है। अगर यहाँ से गाड़ी अगर नीचे उतारनी है तो कैसे उतारेंगे? इसमें तो अप एंड डाउन का है, आगे पीछे का तो है नहीं कि इसको स्लाइड करके इधर ले आते हैं, इधर रखते हैं और फिर गाड़ी निकाल लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है इस चीज़ में, आई थिंक मेरे को शायद समझ नहीं आया था, बट इसमें से ऊपर और नीचे कहीं है। गाइस देखिए गाड़ी जो है धीरे धीरे ऊपर जा रही है, यहाँ पे भैया ने बटन दबाया और ये गाड़ी जो है धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ये फर्स्ट फ्लोर पे पूरी आ जाएगी, उसके बाद जो है फिर ये वाली गाड़ी जो आके यहाँ पे लग जाएगी, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। पर एक चीज़ समझ नहीं आता था, वो गाड़ी अगर ऊपर वाली निकाली तो फिर निकलेगी कैसे, ये पूछते हैं भैया। इस स्टिकर का मतलब क्या, इस साइन का मतलब क्या, असेंबली पॉइंट? ये मेरे को एक यूनिक चीज़ लगी, ये क्या चीज़ है भाई असेंबली पॉइंट? कुछ भी कहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि अभी 10 बजे नहीं बजे, 9:30 ही बजे होंगे, बट गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अभी पसीने तो नहीं आ रहा है, तो मैं ज़्यादा धूप में नहीं हूँ, बट है गर्मी। मैं अभी जा रहा हूँ छाँस लेने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस गर्मी से बचने के लिए छाँस लेने के लिए जा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ जो मेरे मुँह में छाले हुए हैं तो वो छाँस पीने से ही ठीक होंगे, तो दूसरा रीज़न ये भी है। और तीसरा रीज़न ये है कि खाने के साथ जो है ना छाँस को ही मज़ा आता है, तो तीसरा रीज़न ये है। ये रहा हमारा छाँस, 20 का एक पैकेट बड़ा वाला आता है, 750 ml का है, और पीछे पेट ठंडा रहेगा पूरा। अबे कितना ठंडा है भाई, भाई इसको तो हम लोग आराम से सर पे लगा सकते हैं कि भाई जैसे सर दर्द ना हो, आइस पैक की तरह भाई, गजब है। ये कबर्ड जो है मेरे को अमेरिका में जो स्कूल होते हैं जिनके कबर्ड दिया जाता है वैसा मेरे को लग रहा है। अपना से कबर्ड खोलो, सिंगल सिंगल कबर्ड है, 3 कबर्ड आपको लगेगा नहीं लगेगा कि एक ही कबर्ड है, पर है ये अलग अलग 3 कबर्ड, तो काफ़ी सही है। इन भाई को ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, ये कूलर में पानी भर रहे हैं। भाई कितना बाल्टी पानी भरेगा, लग रहा 2 से 3 बाल्टी तो भरेगा ही भरेगा पानी। गाइस इस आदमी को क्या बोलिएगा, कल भी खा रहा था, आज भी कुछ ना कुछ खा रहा है। भाई क्या क्या कुछ सीन है क्या भाई तेरा, ये सब भाई तू कौन सी ऐसी मेहनत कर रहा है कि रात में तेरे को 12-1 बजे तेरे को भूख लगती है भाई? हाँ सही है सही है, पर गाइस इससे मेरा काम आधा कर देता है क्योंकि सारा सामान ही काटता है। मैं सिर्फ बैठ के खाने में विश्वास रखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है खाना और मैं खाता हूँ। भाई तरबूज को मस्त काटा जा रहा है इधर, इसी से बीज अब निकलेगा बीच में से और फिर बाद में इसको खा लेगा। यही वो आदमी है, यही वो आदमी है जिसको रात में 12 बजे के बाद इसे भूख लगती है, और भूख भी ऐसी लगती है कि तरबूज जो मैं लाता हूँ वो भी खाने लगता है, और अभी हंस रहा है इस चीज़ को लेकर। कोई नहीं भाई, मैं तेरे को मना नहीं करूँगा, तेरे को जितना खाना है तू खा ले, जितना खाना है तू खा ले, मैं तेरे को कोई मना नहीं करूँगा। समझा गाइस, देखिए ये सामने से बोल रहा है कि मैं आज तक कभी मना नहीं करता हूँ खाने के लिए कोई भी चीज़, पैसे भी नहीं देते हैं ये लोग, बाय द वे मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो गाइस दिल बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं भाई? मेरा दिल कितना बड़ा है, तो उसके वो भी बड़े ही होते हैं, क्या बोलूं मैं। सही है, बड़ा नहीं, तो दिल की बात कर रहा हूँ, तू कौन सा भाई, वो क्या बड़ा होता है भाई, मेरा तो दिल बड़ा है। नॉर्मल बात चल रही थी और ये बातें चलती रहती है हमारी। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, मेरे को कैमरा बदलना चाहिए? मैं सोचा कि एक नया फ़ोन ले लेता हूँ मैं, जैसे कि अच्छा वीडियो आएगा, अच्छा वीडियो क्वालिटी आएगा, क्योंकि ये वाला फ़ोन जो है मेरा 7000 का है, तो इससे उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं आता है, बट काम मेरा चल जा रहा है क्योंकि अभी मेरे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। जैसे मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, थोड़ा मोनेटाइजेशन का सीन आएगा, उसका थोड़े पैसे आएंगे, तो उसके बाद मैं फ़ोन ले लूँगा। बट आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है सही लगता है इस क्वालिटी में, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स अच्छे अच्छे क्वालिटी में आ रहे हैं, मैं उतना अच्छा क्वालिटी आपको दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी मजबूरियाँ हैं। जैसी मेरी मजबूरी ख़त्म होगी तो मैं आपको देने की कोशिश 110% करूँगा, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। इस लड़के में ये हर एक चीज़ जो है सिस्टमेटिक ढंग से काट देता है, इसने मेरे लिए भी काट के रखा हुआ है, अभी मैं इसको खाने वाला हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली खाते हैं इसको, खा के देखते हैं कैसा लगता है। मीठा है ना भाई, बहुत मीठा है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं था
रिलायंस का प्रोडक्ट जो इतना मीठा भी था, लेकिन कल जो तरबूज हम लोगों ने खाया था वो अच्छा नहीं था। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? बाल तो भाई 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 का बाल कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भाई तुम्हारा हीरो लग रहा है पूरा देखने में। जैन भाई सॉरी, आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही काट दिया आपके आने से बाल आया। अगली बार आपका नंबर, अगली बार आएंगे तो आपको खिलाएंगे। 내 이름이 어느새 난 라임을 따 이번 여름에 마셨던 술은 다 너를